हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 12 मैथ्स का बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स दिया है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है साइन एक्स अपॉन एक्स, यदि एक्स इज लेस देन जीरो तब साइन एक्स अपॉन एक्स होगा एफ ऑफ एक्स का मान, और एक्स प्लस वन कब होगा जब एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा जीरो। हमें सिद्ध करना है कि एक संतर फलन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध की, हमें सिद्ध करना है कि फलन जो है जब एक्स लेस देन जीरो होता है तो साइन एक्स अपॉन एक्स होता है, और जब एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है तब एक्स प्लस वन होता है। हमें संतर फलन निकालना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें सिद्ध क्या करना है, फलन संतत है। तो संतत फलन के लिए क्या करना होगा, जीरो दिया है तो x इक्वल टू जीरो पर हमें क्या सिद्ध करना है, संतत फलन है, ठीक है। इससे क्या मतलब निकलता है कि x इक्वल टू जीरो पर हमें संतत फलन सिद्ध करना है। तो उसके लिए हमें क्या दिखाना होगा, f ऑफ जीरो इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर हम इतना दिखा देते हैं तो क्या होगा, ये फलन जो होगा वो संतत फलन होगा, ठीक है। एफ ऑफ जीरो इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दिखा देते हैं तो फलन कैसा, संतत फलन होगा। तो देखो चलो हम दिखाते हैं। तो पहले लिखते हैं एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो निकालना है, मतलब कि जब x इक्वल टू क्या हो, जीरो। तो x इक्वल टू जीरो कब होगा, जब x, देखो इसमें दिया x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, जब f इक्वल टू जीरो होगा तो मान क्या होगा, x प्लस वन। तो इसमें x इक्वल टू जीरो रख दो तो जीरो प्लस वन इक्वल टू जीरो, सॉरी वन, ठीक है। जब x इक्वल टू जीरो होगा तो कौन वाला मान आएगा, ये, क्योंकि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो का x प्लस वन है, तो x प्लस वन आया। अब x की जगह में रख दिया जीरो तो जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, तो एफ ऑफ जीरो का मान आ गया है वन। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो निगेटिव एफ ऑफ x, तो लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ पे x जीरो निगेटिव एफ ऑफ x, जब जीरो से कम होगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इधर साइड होगी तो जीरो से कम, तो जीरो से कम में कौन वाला आएगा, जीरो से कम साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x। आप देखो आप इसे हम कैसे सॉल्व करें, तो देखो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखो कि साइन एक्स अपॉन एक्स या साइन थीटा अपॉन थीटा या कोई भी हो, कॉस थीटा अपॉन थीटा, कॉस एक्स अपॉन एक्स, तो उसका मान होता है वन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू होती है वन, या साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू होती है वन, ठीक है। तो इसका मान सीधा सीधा वन ही आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो निगेटिव, इसका मान बना है कि अब जब x ही नहीं बचेगा तो मान के आ जाएगा वन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। तो साइन x अपॉन x की वैल्यू जो होती है वो होती है वन, सीधा सीधा आपको कहीं भी साइन x अपॉन x दिखे तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे वन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी बना गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो देखो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव और एफ ऑफ x जब जीरो से बड़ा हो, ठीक है। जब जीरो से बड़ा होगा तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे, एक्स प्लस वन में, क्योंकि जीरो से एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो एक्स प्लस वन, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो से जीरो पॉजिटिव एक्स प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। आप या तो डायरेक्ट जीरो रख दो या एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच रखो, ठीक है, ऐसे। तो देखो दिखाते हैं, यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा और यहाँ पर जीरो प्लस एच प्लस वन। देखो कैसे किया हमने, x इक्वल टू जीरो और यहाँ पे प्लस लगा फिर एच रख दो, तो जीरो प्लस एच रख दो, ठीक है। जब यहाँ जीरो प्लस एच रखोगे तो जीरो प्लस एच प्लस वन, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप यहीं पे x इक्वल टू जीरो लिख दो तो कितना आएगा, जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी मान x का जीरो रख सकते थे, यहाँ पर भी h का मान जीरो रखोगे तब भी वही आएगा, तो जीरो प्लस h का मान जीरो रखो तो जीरो प्लस वन इक्वल टू वन। तो देखो आप देख रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी बनाया, राइट हैंड लिमिट का मान भी बनाया और एफ ऑफ जीरो का मान भी बनाया। तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसी प्रकार सिद्ध होता है कि एक्स बराबर जीरो पर फलन एफ ऑफ एक्स संतत है। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कितना ज़्यादा आसान था और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था, अगर आपको ये साइन एक्स अपॉन एक्स कहीं पे भी मिल जाता तो आप क्या करते, इसमें अटके रह जाते। तो आप याद रखो कि साइन एक्स अपॉन एक्स का मान क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो देखो हमने एफ ऑफ जीरो इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दिखा दी, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।